भुजिया इस टाइम इतना क्रेज पे है कि हर दुकानदार इसको बेचना चाहता है, लेकिन मार्केट में इसका प्राइस क्या है? मार्केट में होलसेल का रेट तो उन्होंने अलग ही रखा है, लेकिन जिन दुकानदार भाइयों को ये मैं सुनील लाटो सुंदर कैटर से आज नई वीडियो एक लेकर आया हूँ आपके लिए, गुजराती फाफड़ा। ये गुजराती फाफड़ा होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज बताऊँगा मैं, और ये क्या रेट है, और ये किसने शुरू किया है, जिन्होंने शुरू किया है वो पहले क्या थे और क्या करते थे ये भी बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों, और इसका रेट क्या है ये भी बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो दो वीडियो में बने रहे मेरे साथ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन पूरी वीडियो देखना, अच्छी जानकारी मिलेगी। और इसके साथ में एक आइटम और है दोस्तों, ये लहसुनी भुजिया है, इसके बारे में भी बताऊँगा आज आपको, यानी पूरी जानकारी दूंगा, ये बनता कहाँ पर है, बेचता कौन है और क्या रेट है इसका, और इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं आप, ये सारी जानकारी मिलेगी वीडियो में, बने रहें। तो दोस्तों ये है गुजराती फाफड़ा, और ये रामू भाई साहब की फैक्ट्री में बनाया जाता है, और इसकी पूरी दिल्ली में सप्लाई होती है। इसका होलसेल रेट है जो कि मैं अभी बताऊंगा, इम्पोर्टेंट ये रेट ही रखता है क्योंकि ये दुकानों पे जाता है, होलसेल में बेचा जाता है। रामू भाई की दुकान थी रामा पारक, गुजराती मट्टी नाम से मशहूर थी, लेकिन उस काम को छोड़कर इन्होंने इसी का होलसेल का काम किया है, जो कि पूरी दिल्ली में इसकी सप्लाई है। और साथ में इन्होंने एक आइटम और निकाला है जो कि नमकीन है, इसके बारे में बताओ। ये सर पहले इस बेसन को मोटा और बारीक बेसन से तैयार किया जाता है, और उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल के उसके बाद घिसा जाता है। मसाले क्या क्या लगाते हो? मसाले तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम नहीं ये भुजिया में जो मसाले लगाते हैं आप, इसमें क्या क्या डालते हो? इसमें डलता है सर हींग, लहसुन और गरम मसाला, अमचूर, यही आदि डलते हैं, बस इतने इत्यादि, नमक और तेल डलते हैं बस। उसके बाद इसको कढ़ाई में छानना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी रामू भाई बता रहे थे, अभी ये बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है, क्या क्या डलता है, और करारा इतना सॉफ्ट और खस्ता कैसे बन जाता है ये देखो। इसका पैकेट है ये, इसका ऐसे ही अंदाजे से नहीं भरे, सारे पैकेट जो दिखाए हुए हैं इन्होंने, ये इसका नेट वेट होता है, एक हर पैकेट का वजन सेम होता है, लेकिन ये पैकेट अलग अलग तरह के हो जाते हैं। ये 200 ग्राम का पैकेट है, 300 ग्राम का भी हो जाएगा, 400 ग्राम का भी है और 500 ग्राम का भी है। ये रामू भाई बताएंगे इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है, रामू भाई बताना जरा। इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है? इसके अंदर सर मोटा बारीक बेसन को पहले गूंद के उसके बाद गूंधा जाता है, उसके बाद तैयार करके, इसके बाद बॉयल करके, उसके बाद इसके कुछ मसाले ऐसे हैं जो हम सीक्रेट है जो नहीं बता सकते, बाकी तो जो भी है इसके अंदर आप खाने में इतना स्वादिष्ट और टेस्टी है जो आप खाते ही रह जाओगे, और क्या इसका तो वर्णन करना ही बेकार। जो हमने काम किए थे गुजराती मट्टी भंडार, उसको छोड़ के हमने ये काम किए हैं। मैंने सुना था आपकी दुकान रामा पार्क में थी, गुजराती मट्टी नाम से मशहूर, आपकी सेल भी अच्छी थी, मट्टी भी बनाते थे और भी काफ़ी सारे आइटम्स होते थे, तो आपने वो बंद क्यों कर दिया? उसको बंद करने के बाद आपने गुजराती फाफड़ा, ढोकला या लहसुनी भुजिया या नमकीन है, इसको चालू किया, क्या उसमें अर्निंग नहीं थी? सर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इसमें हमें दिखता है कि भाई इसमें कमाई हमें कम होती है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होती है, जिसको प्रॉफिट में ज़्यादा, जो प्रॉफिट ज़्यादा आता है उसमें हमें काम करना चाहिए, क्योंकि इसे हमने इसमें देखे, हमने इतना अच्छा प्रॉफिट है और इतना अच्छा बचत है, और बढ़िया होलसेल हर दुकान पर भी अच्छा लगता है देने में भी, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, आप एक बार खा के ज़रूर देखना। मैंने सुना है रामू भाई आप 15 से 20 लड़कों को काम देते हो, आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं वो लड़के 15 से 20 हैं, जो कि यही माल हमेशा तैयार करवाते रहते हैं, जो कि ढोकला है, फाफड़ा है या भुजिया है। जी सर 15 से 20 से ज़्यादा ही हैं बल्कि, और हम हर काउंटर हर दुकान भाई को हम सप्लाई करते हैं। आपकी पूरी दिल्ली में सप्लाई है? जी सर पूरी दिल्ली में सप्लाई है। अगर कोई कस्टमर आपसे खरीदना चाहे अपनी दुकान के लिए तो आप दे सकते हैं उसको? बिल्कुल दे सकते हैं सर। अभी भी सप्लाई है, कहाँ कहाँ सप्लाई है आपकी? सप्लाई सर गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत और तिलक नगर, उत्तम नगर, नजफगढ़, विकासपुरी, शास्त्री नगर, ऑल दिल्ली में सप्लाई है सर। सुना है कि ये देखने में तो एक फाफड़ा नॉर्मल बेसन का ही बनता है, लेकिन इतना मशहूर कैसे है? जलेबी फाफड़ा बोलते हैं वही है ये?
जी सर, जलेबी फाफड़ा जी से कुछ जेठालाल टीवी पर ऑलरेडी दिखाते रहते हैं, जेठालाल और दया भाभी जो खाते रहते हैं जलेबी फाफड़ा, वही फाफड़ा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये गुजराती फाफड़ा है, ये बेचनी भुजिया इस टाइम इतना क्रेज पे है कि हर दुकानदार इसको बेचना चाहता है, लेकिन मार्केट में इसका प्राइस क्या है? मार्केट में होलसेल का रेट तो उन्होंने अलग ही रखा है, लेकिन जिन दुकानदार भाइयों को ये देते हैं वो 35 रुपये का पर पैकेट बेचते हैं, लेकिन ये क्या रेट देते हैं? ये कह रहे हैं कि हम अच्छा प्रॉफिट देते हैं, हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे समाज सेवा करते हैं। और इन्होंने कहा मुझे कि आप ये वीडियो बनवा रहे हो, तो इस पर्पज़ में होलसेल वालों के लिए जो भी मुझसे लेना चाहता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9278609424। अगर किसी भाई को चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके होलसेल में अपनी दुकान के लिए मंगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो मेरी दुकान पर हैं। बिस्कुट हमारे होलसेल में होते हैं, आप अगर चाहो तो इसे अर्निंग भी कर सकते हो हमारे यहाँ से खरीद के। बाजी के बॉक्स होते हैं, नमकीनें होती हैं सभी प्रकार की, इसके अलावा और स्वीट्स मिठाइयाँ जो हैं हमारी होलसेल रेट में मिलती हैं। जो कि आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस टाइम क्रेज है फाफड़ा का, जो कि मार्केट में नाम से बिकता है, प्रॉफिट भी अच्छा है, ये नहीं कहूँगा। और ये प्योर बेसन में बनाया जाता है, साथ में मिर्ची कैसे बनाते हैं, इसकी मिर्ची होती है, जो मिर्ची आप लगा रखी है ये क्या फाफड़े के साथ में ही अटैच करके दी जाती है? जी सर, फाफड़े के साथ में अटैच करके दी जाती है। इसकी मिर्ची इतनी स्वादिष्ट है आप खाते ही रह जाओगे। ये मिर्ची में क्या क्या लगाते हो आप? सर कुछ मसाला है जो हम खुद बनाते हैं, उसको हम सीक्रेट रखना चाहते हैं, इसे बता नहीं सकते। दोस्तों आपने जैसा कि सुना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत दिल से करते हैं या सच्ची लगन से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं जी जान से, और इसीलिए इनका ढोकला अच्छा स्वादिष्ट और करारा बनता है, और इसीलिए मशहूर है गुजराती ढोकला, गुजराती फाफड़ा इनके पास, और लहसुनी नमकीन अवेलेबल हर समय। 15 से 20 लड़कों को ये काम भी दे रहे हैं और अपना काम के साथ साथ पूरी दिल्ली में सप्लाई भी देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट बॉक्स का जवाब दूंगा। और दोस्तों एक बात बताने जाऊँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, आप हमारी एक फैमिली हो। देखो दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद।